हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ एमजे। जैसे कि हमने आगे की वीडियो में आपको बताया था कि हमने कटिंग किस हिसाब से ग्रो करनी है, तो वो कटिंग तो हमने ग्रो कर दी। बोतल का कवर भी हमें कटिंग के ऊपर लगा दिया। अब जब हमें कटिंग के अंदर जब भी कुछ न्यू ग्रोथ दिखे तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो सबसे पहले ये कटिंग मैं थोड़ी बाहर से निकाल देता हूँ, डिफेनबैकिया के प्लांट के नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग अभी रेडी हो गई है, तो उसके अंदर से न्यू शूट्स आ गई है। बहुत सारे अच्छे खासे पत्ते इसके अंदर से निकल गए हैं। तो जब ऐसे कुछ पत्ते आपके कटिंग्स के अंदर से निकल जाए, तब हमें कटिंग को थोड़ा ओपन कर देना है। ओपन करने का ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि हमें पूरा उसको ओपन करके ऐसे रख देना है। हमें ये कटिंग को ऐसे कवर ही रखना है, लेकिन ये जो बोतल है वो बोतल का हमें थोड़ा सा पार्ट ओपन रखना है ताकि अंदर एयर सर्कुलेशन हो सके। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अभी भी इसके जो कटिंग्स के जो रूट्स होते हैं अंदर, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अगर कटिंग और ज़्यादा हिलेगी तो बाद में फिर से वो फेल हो जाएगी और ज़्यादा डेवलप नहीं करेगी, तो हमें वो एक चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर हम ये बोतल को ओपन कर देंगे टोटली, तो बाद में बाहर का जो क्लाइमेट है अभी का, वो बहुत ही ड्राई है। उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ये कटिंग को मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी, उसकी वजह से ये कटिंग फेल हो जाएगी। तो हमें कटिंग के अंदर बाहर के क्लाइमेट का असर डायरेक्ट नहीं होने देना है, इसलिए हमें हल्के से उसको थोड़ा कवर करके रखना है, लेकिन थोड़ी एयर इसके अंदर से पास हो जानी चाहिए। तो एयर का सर्कुलेशन अभी ये कटिंग्स को चाहिए। अगर हम अभी तक इसको एयर टाइट बंद करके रखेंगे तो बाद में कटिंग को फंगस लग जाएगा ओवर ह्यूमिडिटी की वजह से, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको ओपन रखना है। ओवर ह्यूमिडिटी, अगर ओवर मॉइस्चर भी ये बोतल के अंदर चला जाएगा तो बाद में कटिंग फेल हो जाएगी, कटिंग ब्लैक हो जाएगी, जिस तरह से ये मेरी रोज़ प्लांट की कटिंग की हालत हुई है। ये देखिए, रोज़ प्लांट की कटिंग मेरी डेवलप हो गई थी लेकिन ये पूरी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने इसके नए शूट्स निकलने के बाद भी मैंने इसको ओपन नहीं किया था और अंदर के अंदर ये सारा फंगस लग गया है, जिसकी वजह से अभी ये कटिंग मेरी फेल हो गई है। तो इसलिए बाद में मैंने ये जो जितने भी बोटल्स थे, तो बोटल्स मैंने थोड़े थोड़े हल्के से ओपन कर दिए ताकि अंदर एयर सर्कुलेशन हो सके, लेकिन हमें अभी भी इसको थोड़ा कवर करके ही रखना है ताकि अभी का जो क्लाइमेट है बहुत ही ड्राई है, जिसकी वजह से ड्राइनेस ये कटिंग को नहीं मिले। अंदर से मॉइस्चर मिट्टी में से ये बोतल में जाती रहेगी और अंदर एक मॉइस्चर क्रिएट होता रहेगा, लेकिन हल्का सा थोड़ा हमारा बाहर की हवा भी अंदर जाएगी तो बाद में ओवर मॉइस्चर भी नहीं हो जाएगा अंदर और कटिंग भी हमारी सेफ रहेगी। तो इस तरह से थोड़े दिन तक हमें ये कटिंग को कवर करके रखना है। ये मेरी रोज़ प्लांट की कटिंग तो फेल हो गई है, लेकिन मेरी दूसरी रोज़ प्लांट की कटिंग है वो अभी सक्सेसफुल जा रही है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी रोज़ प्लांट की कटिंग है जो मैंने खुद कुछ इस तरह से ही रेडी की है, और उसके ऊपर लीव्स भी डेवलप हो रहे हैं और नए बड्स भी इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं, ये देखिए। तो कटिंग बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा कवर करके ही डेली रखता हूँ ताकि जो मॉइस्चर कटिंग को थोड़ी बहुत चाहिए वो मिलती रहेगी। जब तक इसके लीव्स और ब्रांचेस थोड़े और डेवलप नहीं हो जाते, तब तक हमें कुछ इस तरह से इसको कवर करके ही रखना है। तो ये है मेरी वीडियो ये कटिंग के अपडेट के ऊपर। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।